असम के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले जो राज्य है त्रिपुरा है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ है। बजट भी जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए फेज थर्ड में हमने রাজ্যসভায় সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে আবারও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দেখা গেছে। তিনি প্রশ্ন করেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এইমস স্থাপনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। তিনি উল্লেখ করেন, পূর্বোত্তরের মধ্যে প্রথম আসামের গুয়াহাটিতে এইমস স্থাপিত হয়েছে। আগামী দিনে ত্রিপুরায় কবে নাগাদ এই এইমস স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি বলছেন শোনাব, এবং তারপর শোনাব গত 2022 সালের 27 আগস্ট ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যে এইমস স্থাপন প্রসঙ্গে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা কি বলেছেন। जो नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले जो राज्य है त्रिपुरा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ है। त्रिपुरा सरकार के तरफ से भी समय समय पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप और पत्राचार हुआ है। क्या सरकार बजट में त्रिपुरा के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिलाने की कोई योजना है? आपने माननीय सांसद महोदय का कहना है त्रिपुरा के बारे में, लेकिन मैं जहां तक कह रही हूं कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट को एक अलग डिपार्टमेंट भी पे, उसमें सभी विभागों से बजट भी जा रहा है। तो सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि जैसे मैंने कहा कि पहला नॉर्थ ईस्ट को एम्स असम गुवाहाटी मिला, वैसे ही पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड को भी मिला, हमारी सरकार ने दिया। पहला मेडिकल कॉलेज मिजोरम में भी दिया, और सर मैं अभी सिक्किम होके आई तो उन लोगों ने भी धन्यवाद दिया कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज सिक्किम को मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो प्रायोरिटी है, लेकिन जो आपने त्रिपुरा के बारे में सोचा है तो बिल्कुल आपने पत्राचार भी किए थे और उसके आधार पर वहां पे अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए फेज थर्ड में हमने अप्रूव किया है। তো ডিও লেটার আমি পাঠিয়েছি এবং সেই সুবাদে আমি ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্টারের সাথে কথা বলেছি। তো যখনই কথা বলি টিএমসিটাই আমার মাথার মধ্যে ঘুরে যে এটাকে এইমস দিয়ে করা যায়, তবেই কিনা আমি যাই। তার মানে যদি এইমস আপনি না করেন অন্তত ওকে নেগ্রিন বা রিমস এর মতো একটা করুন, কারণ এখানে যে ওদের যে ক্রাইটেরিয়া আছে একটা এইমস করতে গেলে সেই ক্রাইটেরিয়া এখানে সম্ভব হয় না। তো রিমস বা নেগ্রিমের মতো করলো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ দ্য কলেজ অনেক বেশি হাই হবে, ট্রিটমেন্ট এবং আমাদের যারা টিচাররা আছে ডাক্তাররা আছে তাদের কোয়ালিটিও অনেক বেশি বাড়বে।